अपने परिवार के दुख, उनकी परेशानी के लिए आपका कंसर्न, आपकी फीलिंग्स में समझ सकता हूँ, लेकिन इस तरह तो आप उनकी दुख और परेशानी को बढ़ा ही रही है ना। सब अंदर इंतजार कर रहे हैं, चलिए चलकर मुझे अपने घर ले चलिए, अभी इसी वक्त। अब इतने दिनों तक अपने नए घर संसार में कितनी खुश थी मैं, अपने परिवार वालों को ही भुला दिया था मैंने, उन लोगों को भूल गई थी जिन्होंने मेरी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं किया, अपने बेटे तक से मुंह मोड़ लिया। पहले तो मैं दादी जी की आवाज सुनते ही समझ लिया करती थी कि उनके मन में क्या चल रहा है, पर पता नहीं इतने दिनों से जब भी वो फोन पर मुझसे बात किया करती थी तो मैं उनके हंसी के पीछे छुपे दर्द को कैसे नहीं समझ पाई। पता नहीं कैसे उनकी बात पर विश्वास कर लिया मैंने। आनंद जी, क्यों आप ये सब? मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लग रहा है जैसे इतने दिनों तक अपने परिवार के दुख तकलीफ से अनजान रहकर कोई अपराध कर दिया है मैंने। नहीं, मैं उन सबका सामना नहीं कर पाऊंगी, मुझे प्लीज घर ले चलिए। वो ना मिली क्या चूनर? ये मिला दादी से। आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, नहीं तो जज्ञा से कहकर कड़वी दवाइयां पिलवानी पड़ेंगी आपको। क्या हुआ, आप ऐसे चुप क्यों हो गई? अरे ये सब के सब जही खड़े हैं ना हमारे सर के ऊपर, ले अपनी माँ से बात कर। जगदीश कहाँ है, नजर नहीं आ रहे? जयपुर गए हुए, जरूरी काम हो गया। बेटा हमने तुझे इसलिए नहीं बताया कि तुझे पता चलेगा तो तू बहुत दुखी होगी और हम सबकी चिंता करेगी। क्या हो गया होता है, बात बात पे इस घर की चिंता लेके बैठ जाओगी तो उस घर की जिम्मेवारी कैसे संभालेगी? आप कितनी लकी हैं, आपकी फैमिली आपसे कितना प्यार करती है, जो आपको ऐसी कोई बात नहीं बताना चाहती जिससे आपकी मुस्कुराहट छिन जाए। रही बात जगदीश की, तो मैं आपसे वादा करता हूं पर्सनली उसे ढूंढूंगा और वापस हवेली लेकर आऊंगा। फ्रेश हो जाइए, थकी होगी आप।
छोटी माँ न्यूज़पेपर है? अभी तक तो नहीं आया शिव। मैं देख कर आती हूँ। माखन काका आप? घने खम्मा। खम्मा घने। माजिस्ता ने ये अखबार भिजवाया है। अंदर आइए ना काका, नाश्ता बिल्कुल तैयार है। नहीं, अभी गोदाम जाना है, हुकुम ने बुलाया है कुछ काम से। ठीक है। माखन काका आए थे, दादी सा ने न्यूज़पेपर भेजा है। कल ही मैं बात कर रहा था कि क्या पता न्यूज़पेपर वाला आज आएगा या नहीं। लगता है दादी जी ने सुन लिया। इट्स सो स्वीट ऑफ हर। वाकई आनंदी, तुम्हारे मायके वाले तो हमारे शिव को पूरी तरह से बिगाड़ के रख देंगे। इतनी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हैं। तुम्हारे मायके वालों से वाकई हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि शादी के बाद अपनी बेटी का किस तरह से ख्याल रखा जाए। हम भी अपनी सांची की शादी के बाद ऐसा ही करेंगे। अरे तुम बैठो ना, चलो नाश्ता करते हैं। इसका तो बटन ही नहीं है। एक मिनट। मैं अभी बटन लगा देती हूँ। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं दूसरी शर्ट पहन लूंगा। दो मिनट लगेंगे, लगा देती हूँ। आई छोटी माँ। मैं देख सकता हूँ मेरे करीब आना चाहती हैं आप। अगर कुछ तो है जो आपको रोक रहा है, आपका विश्वास जीतने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। फिर इस तरह मेरे पास आने के लिए आपको किसी वजह की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपनी इच्छा से, मर्जी से, खुशी से, पूरे अधिकार से आएंगी आप मेरे करीब। दादी सर, मैं कल के लिए आप सबसे माफी मांगना चाहती हूँ। मुझे इस तरह से नहीं जाना चाहिए था, पर मैं क्या करती। शक्या की चिट्ठी पढ़ने के बाद मैं बहुत सब समझूं। छोरी, माफी मांगने की क्या बात, कर जो कियो तूने उससे नाराज ना है कोई, बल्कि तारी चिंता हुए सबको। जगह को लेकर दुखी मत हो बेटा, वो आ जाएगा। और उसने तो लिखा भी है चिट्ठी में कि एक दिन वापस लौट कर जरूर आएगा। जगह के जाने से हम सब दुखी हैं बेटा। एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है कि जग्या कब वापस आएगा। लेकिन इंतजार करने के अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं। और फिर सबको इस बात का विश्वास है कि जहां इतना दुख सह लिया तो तकलीफ के ये दिन भी गुजर जाएंगे।